मुद्दा वापस लेके इसको गवर्नमेंट लाइन डिक्लेयर करेंगे। तो आज जिसकी वजह से हम तमाम लोग जो है ना बहुत ही गमो गुस्से का इजहार करते हुए केसीआर साहब से यही कहेंगे, आपके वादे का क्या हुआ? आपके वादे के ऊपर हम कोई भरोसा नहीं करना चाहिए क्या? इसमें कई ऐसे वादे भी हैं। तो आज इस मौके पर हम तमाम लोग हैं धरना इस वजह से दे रहे हैं कि हुकूमत को, केसीआर को, वक्फ बोर्ड को, सबको याद दिलाने के लिए। अब आप मणिकुंडा जागीर से मुतालिक केसीआर साहब तेलंगाना तश्कील पाने से पहले से ये वादा करते रहे कि मुसलमानों के हवाले वक्फ जायदाद को कर देंगे, गवर्नमेंट का जो क्लेम है सुप्रीम कोर्ट में हम उससे दस्तबरदार हो जाएंगे। और ये केसीआर मुसलमानों का ये वादा लेके, ये वादे के साथ मुसलमानों के साथ हमदर्दी का वादा करके, हमदर्दी जता के मुसलमानों के हाथों में हथेली में जन्नत बता के मुसलमानों को धोखा दिए। और जो लैंको हिल्स दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के जो जायदाद है, जो एक्चुअल जायदाद है 1898 एकड़ है, वो जायदाद को बजाय मुसलमानों के हवाले करने के जो केस वक्फ ट्रिब्यूनल में जीता गया वक्फ बोर्ड के फेवर में हुआ, जो हाई कोर्ट में जीता गया वक्फ बोर्ड के फेवर में हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से फैसला हुआ, याद रखिए तमाम लोगों को मैं बेदार करना चाहता हूं। मेरे साथ राशिद खान भाई है, निज़ाम भाई है, हमारे अजीज खान पाशा साहब की क़यादत में जनाब अब्बास अली साहब है, अब्दुल खदीर साहब है, उस्मान खान साहब है, और तमाम जहां पर हमारे MBTV के कायदीन यहां पर मौजूद है, TDP के कायदीन मौजूद है, कांग्रेस के तमाम लोग यहां पर मौजूद है। मैं इस ज़रिए से आप लोगों को, आवाम को ये बताना चाहता हूं कि ये KCR मुसलमानों के साथ धोखा दिए, मुसलमानों को बताए कि मुसलमानों को ये जायदाद वक् और लैंड को इसमें गरीब मुसलमानों को बसा दूंगा, बोले ये भी वादा सब ख़त्म हो गए। यहाँ से इलियास साहब जो लड़ रहे थे वक्फ बोर्ड की मदद कर रहे थे, उनका 4 महीने पहले जो तबादला किया गया, सुप्रीम कोर्ट से बुला लिया गया, जब भी हम बता जी आधी रात को उनको बुला लिए, ये धोखा हुआ। जब से हम पुकारते आ रहे हैं ये KCR धोखा दे रहा है मुसलमानों को। मैं आप तमाम के तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये लड़ाई ना क़यादत लड़ने वाली है, ना उलमाए कराम लड़ने वाले हैं। इतना बड़ा 1,00,000 करोड़ से ज्यादा मालियत का मुकदमा हरा दिया गया और उलमाए कराम के मुंह में यानी पता नहीं क्या हो गया, मुंह चुप्पी साधे हुए हैं। क़यादत छोटे छोटे बातों के लिए जलसे कर रही, उलमाए कराम जाके वोट की भीख मांग रहे हैं, वहाँ से वोट किसी के या मजलिस के हक में वोट मांग रहे हैं, लेकिन ना मजलिस का कोई MLA ना MP की जायदाद का ये तबाह हो गई, कोई उनको बोलने की कोई तौफीक नहीं है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, आपको हमको सब मिलके ये लड़ाई लड़ना है। मैं आवाम से गुजारिश, एजी नरसिम्हा साहब, राशिद खान साहब, हमारे मुस्तफ़ा महमूद साहब, सब लोग हम शहीदों के चौक तक जाएंगे और ये मूवमेंट को सब मिलकर हमको लड़ना है, अवाम को, हुकूमत को झिंझोड़ना है। कोई क़यादत मुसलमानों का साथ देने वाली नहीं है, मुसलमानों के लिए कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। वक्फ जायदादों का तहफ्फुज़ करना आम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि एकजुट होकर